मेरे साथ इस समय एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जो कि एक जमीन से उठे। जी हाँ, एक किसान। जी हाँ, एक किसान, एक ऐसा किसान जो अन्न पैदा करता है और पूरे भारत को अन्न खिलाता है। जी हाँ, दीपक जी सक्सेना। इनका जो सफर था वह सरपंच से शुरू हुआ और विधायक बने। एज ए विधायक बने, लगातार 6 से 7 बार विधायक बने और यहाँ की जो जनता ने इन्हें प्यार दिया है उस जनता का यह ऋण भी नहीं चुका सकते। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जनता जनार्दन जो भी आती है उनका भव्य स्वागत होता है। सबसे बड़ी बात बताते हैं हम आपको कि यहाँ जब से सरपंच थे जब तब से अभी तक जो भी आता है वो उनका मेहमान होता है, मेहमान भगवान होता है। वह चाय और इनके खुद की जो कंपनी है पार्ले, वह बिस्किट खा के अवश्य जाते हैं। पहले बिस्किट खिलाते थे, आज खुद की कंपनी है। भाई साहब, खुद की कंपनी है, पहले बिस्किट आप पार्ले खिलाते थे, आज ऐसा क्या हुआ? देखिए, ये तो कभी कल्पना भी नहीं कर रहे थे कि मैं पार्ले बिस्किट जो लोगों को खिलाता हूँ वो मेरे घर में बनेगी। ये तो अचानक भगवान की कुछ मेहरबानी है, कमलनाथ जी का सहयोग रहा, तो कमलनाथ जी के आशीर्वाद से पार्ले की फैक्ट्री जो हम लोगों को खिलाते थे वो फैक्ट्री में आज हम बिस्कुट कमलनाथ जी के आशीर्वाद से बना रहे हैं। एक जुगनू करके ब्रांड है, क्या है ऐसा? ये जुगनू मेरा ट्रेडमार्क है। मैं गांव में रहता हूँ और जब मैं गांव में आया तो मेरा गांव बहुत पिछड़ा था, तो हम लोग जब देखते थे रात में अंधेरा होता था तो जुगनू जब चमकते थे वो एक अलग लाइट देते थे। मैं ये चाहता था कि मेरा गाँव भी ऐसा बने कि उसका प्रभाव सब जगह पड़े। एक रौनक हमने देखा देश भर में जी, एक ऐसा गाँव जहाँ लगभग 4000 वोटर हैं और 4000 वोटर एक वोट भी बीजेपी को नहीं जाता, कांग्रेस को जाता है। देखिए, गांव में हम लोगों में समय भाईचारा, प्यार और अपना थे, हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ लेते हैं और देते हैं और कोई भेदभाव नहीं रखते, तो सबका प्यार मिलता है, सब लोग भाईचारे से रहते हैं। और ये बात सही है कि जब से मैं आया और कमलनाथ जी जब से आए तब से हर बार 93-94% यहाँ वोटिंग होती, मैं वोट मांगने रोना मैं अपने गाँव में नहीं जाता हूँ, लेकिन पूरे गाँव के लोगों का प्यार और सहयोग हमेशा मेरे साथ रहता है। यहाँ की जनता से हमने पूछा आपको सेकेंड सीएम के रूप में देखते हैं लोग। मेरी हैसियत इतनी बड़ी नहीं, मैं कमलनाथ जी का सिपाही हूँ और कमलनाथ जी के प्यार से उनके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये आपका बड़प्पन है? नहीं नहीं, मेरा बड़प्पन नहीं, ये तो कमलनाथ जी का प्यार है कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे आदमी पे इतना मेहरबानी की है। एज ए 40 वर्ष इस जनता ने माननीय कमलनाथ जी को बहुत प्यार दिया, ढेरों प्यार दिया है। अब देश विदेश में पढ़कर आए हैं नकुलनाथ, क्या लगता है पहली बार युवक? नकुलनाथ जी जब 4 साल के सबसे वो छिंदवाड़ा आते हैं और कमलनाथ जी की 2-3 चुनाव में प्रचार भी किया, मेरे साथ तो बचपन से ही उनसे जुड़ा हुआ हूँ। जिस दिन से कमलनाथ जी छिंदवाड़ा आए मैं उनके परिवार से हमेशा जुड़ा रहा हूँ, परिवार के एक सदस्य के रूप में रहा हूँ। और नकुलनाथ जी की क्षमता, उनकी सोच, उनमें भी काफ़ी जोश से काम करने का और हर तरह से अनुभवी हैं। एक हवाई जहाज के दूसरे पायलट, उद्योगपति, अमेरिका में पढ़े हुए हैं और साथ साथ वो उनमें अपने पापा के जैसे, कमलनाथ जी की जैसे एक काम करने की इच्छा, वो चाहते हैं जैसे पापा को प्यार मिला है वैसा प्यार जनता मेरे को भी दे, और जब तक मैं करके नहीं दिखाऊंगा तो जनता मेरे को उतना चाहेगी नहीं। तो उनके मन में एक ललक है कमलनाथ जी जैसे वो भी कामों को जो अधूरे काम रहे कमलनाथ जी के उनको आगे बढ़ाए। ये इतिहास में पहली बार होगा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा पिता पुत्र एक ही जगह से। ये हम लोगों का भी सौभाग्य है कि हमको दोनों को वोट देने का मौका मिलेगा और उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। एक आप किसान हैं, किसानी करते हैं, बचपन से आप किसानी करते आ रहे हैं, आप इतने बड़े पद पे आ गए और राजनीति के इस क्षेत्र में इतने आगे बढ़ गए, फिर भी आप किसानी छोड़ते हैं? मेरा व्यवसाय शुरू से खेती रहा है, मैं खेती से यहाँ पहुंचा, अगर खेती नहीं होती तो शायद मैं इस हैसियत पर नहीं पहुंचता। तो मेरे गांव जो आगे बढ़ा, लोगों का प्यार मिला और सबसे पहले नाम मेरे को खेती से मिला। मैं छिंदवाड़ा जिले का गन्ना, गेहूं और मक्का आज भी सबसे बड़ा उत्पादक हूँ, सबसे ज्यादा पर एकड़ यील्ड और मैक्सिमम पैदावार लार्ज स्केल पर छिंदवाड़ा जिले में मैं ही फसल पैदा करता हूँ। हमने सुना है कि आपको जो भी गाड़ी पसंद आती है उस गाड़ी को आप मतलब उस पर बैठने की इच्छा करते हैं, लेने की इच्छा करते हैं? बैठने की इच्छा नहीं है, तो लोगों का प्यार है कि जो भी गाड़ी जिले में और सबकी आती है वो लोग ला के मेरे को दिखाते हैं, चलवाते हैं। हाँ, मेरे गाड़ी का शौक मेरे को बचपन से ही रहा है और गाड़ी में 7-1.5 साल में बदलता हूँ। अब क्या उद्देश्य है, क्या सपने हैं आपके शहर के लिए? सपने ये छिंदवाड़ा को कमलनाथ जी के मॉडल ग्रुप में विकसित करना है, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की जोड़ी भविष्य में जो हमारे जो सपने हैं और हम लोग जो चाहते हैं, हम लोगों की मांग के आधार पर कमलनाथ जी छिंदवाड़ा जिले का प्लान पूरी जनता के हित को देखते हुए करते हैं और उम्मीद है कि जो जो अधूरे काम रह गए छिंदवाड़ा को कैसा खूबसूरत और अच्छा बनाएं
वो हम लोग भविष्य में प्लान करेंगे और उसको बुझाते हैं। एक किसान जैविक खेती करके उसने रिकॉर्ड बनाया है, 8 साल हो गए उसे, होशंगाबाद जिले का है, 8 साल में उसने जैविक खेती से इतिहास ऐसा बनाया कि आज 16 से 17 कुंटल के लगभग एवरेज निकाल रहा है। उसे देखिए माननीय शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ एक कोरा प्रमाण पत्र दिया है और उसे लोग बाग गुजरात उत्तर प्रदेश से लोग उससे सीखने आ रहे हैं, लेकिन आज तक उसे कैसी कर्मण अवार्ड नहीं मिला। जैविक खेती की आज बहुत जरूरत है, जितने पेस्टिसाइड और कीटनाशक वाली सारे फसलों में डालते हैं इंसान को बुरा असर पड़ रहा है, जितनी बीमारी कैंसर हार्ट अटैक वगैरह ये सारी बीमारी के कारण ही। लेकिन हम लोगों की मजबूरी, अगर हम लोग व्यवसाय के रूप में खेती कर रहे हैं तो हम जैविक खेती से लाभ नहीं कमा पाते, उसमें धीमी पैदावार कम मिलती, मार्केट नहीं मिलता, हर आदमी को उसकी जो खरीदने की वो नहीं है, उसकी समझते नहीं कि उसको खरीद के खाने से फायदा क्या है। तो आम किसान अगर वो पैदा करेगा तो उसको लागत वसूल नहीं होती। तो जैविक खेती का जब तक मैं तो लोग नहीं समझे वो फसल में और इसमें क्या अंतर है, वो जहर मुक्त है और ये जहर वाली है, जब तक पब्लिक नहीं समझेगी या पब्लिक उसका विरोध नहीं की, जैसे प्लास्टिक से आज नुकसान हो रहा है ऐसे ही कीटनाशक दवाई वाली चीज़ों से ये सब चीज़ें खत्म करके भविष्य में जैविक पे हमको आना पड़ेगा। लेकिन अगर तुरंत व्यवसाय के रूप में खेती करना है तो हमको हाईली जितनी वेरायटी है मैक्सिकन वेरायटी है जो है इन्हीं को हमको पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें फायदा नहीं खेती। तो जैविक खेती के लिए किसान को क्या करना चाहिए? जैविक खेती के लिए किसान को सबसे पहले मार्केट मिलना चाहिए और लोगों को समझ होनी चाहिए कि जैविक जो अनाज पैदा हुआ, सब्जी पैदा हुई, उसके खाने से हम बीमारियों से बचे रहेंगे, हमारा जीवन सुरक्षित होगा। जब तक जनता नहीं समझेगी और जनता में मांग नहीं बढ़ेगी कि हम ये दवाइयों वाला नहीं खाएंगे, खाद वाला नहीं खाएंगे, हमको जैविक होना और साथ साथ उसको भाव मिलना चाहिए, उसकी पैदावार आगे आती है। सबसे लास्ट सवाल मेरा, आप इतने बड़े पद पे हैं, आपको सेकंड सीएम भी कहती है, जनता कहती है, हम नहीं कहते, जनता कहती है आप बहुत सरल स्वभाव के हैं, क्या कारण है? सरल स्वभाव का नहीं, मेरे को गुस्सा भी आता है, लेकिन ये बात सही, मेरे अगर मेरी इच्छा ही होती जो भी मेरे पास आता है अगर उसकी मैं मदद कर सकता हूँ, उसके काम करा सकता हूँ, उससे जो दुआएं और प्यार मिलती है उससे मेरे को बहुत खुशी होती है। और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग, सब लोग ये भाईचारा प्यार और अपने साथ खुशी भी बांटें और दुख भी बांटें। यहाँ जो भी जनता आती है आपके घर, रौनक आती है, बहुत दूर दूर से आती है, उस हर व्यक्ति से आप मिलते हैं और उसका समाधान करते हैं? समाधान जो मेरी सीमा में होता है वो तो मैं करता हूँ, लेकिन लोग इतनी ज़्यादा उम्मीद करते हैं छिंदवाड़ा में, दूसरे जिलों में नहीं होता है, जो छिंदवाड़ा में लोग उम्मीदें बहुत ज़्यादा करते हैं, जो हमारी क्षमता नहीं उससे ज़्यादा, और दूसरा रिमोट से सुधार चाहते हैं, थोड़ा पब्लिक को सही में रखना पड़ेगा, पब्लिक धैर्य नहीं रखती, तुरंत चाहती है रिजल्ट, तो वो हम लोग दे नहीं पाते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे दीपक जी सक्सेना हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि कोशिश हम करते हैं जनता पर खरे उतरें, जनता के हर कार्य को हम करें, जनता की सुने, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करना असंभव होता है, और ऐसे ही सरल सुबोध हैं जिनके कारण यह इतने लोकप्रिय हुए हैं कि पूरा छिंदवाड़ा ही नहीं कई प्रदेशों के लोग इनकी तारीफ करते हुए थकते नहीं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ सूरज सिंह राजपूत, स्टेट न्यूज 18 छिंदवाड़ा।